दोस्तों बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर उतना प्रेशर बना दो कि वो खुद ही आपकी बात मानने लगे और आपके हित में काम करने लगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है पीओके को लेकर। और भारत रूस ने मिलकर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर बनाया है कि अब पाकिस्तान खुद बोलने लगा है कि भारत पीओके वापस ले ले, यानी कि पाकिस्तान का पूरी तरह से सरेंडर सामने आ गया है। दोस्तों आपको बताएंगे वीडियो में कि दो बड़े संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, तो चलिए दोस्तों आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों पहला संकट यह है कि कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है, और यहां तक कि कोई मुस्लिम देश भी उसका साथ नहीं दे रहा है और सब उससे अलग थलग हो चुके हैं। और दूसरा है कि रूस ने भी पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया है ताकि वे आसानी से सस्ते दामों पर तेल ना खरीद सके। पाकिस्तान पर मंडराते संकट है और आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की तो कमर तोड़कर रखी है। इन संकटों की वजह से उसका आर्थिक संकट और ज्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से वे अपने आप को उभार सके। और ऐसे में वह खुद ही बोल रहा है कि वह पीओके को आजाद कर देगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी जरूर निभानी होगी और भारत सरकार को भी आगे बढ़ना होगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को सब कुछ भुलाकर पीओके के लिए समझौता करके उसे वापस ले लेना चाहिए, या फिर भारत जो फौजियों को तैयार कर रहा है उस मैटर से पीओके वापस लेना चाहिए। दोस्तों दोनों में से किस तरीके से भारत को पीओके वापस लेना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है जब भारत को फौज तैयार करनी पड़ती थी पीओके और सीओके वापस लेने के लिए, लेकिन अब पाकिस्तान को ऐसी नौबत आ गई है कि वह खुद पीओके को आजाद कराना चाहता है। दोस्तों आप खुद सोच रहे होंगे कि अब आखिर वह क्यों आजाद कर रहा है। दोस्तों अब वह क्यों नहीं चाहता कि चाइना का कठपुतली बनकर रहे और चाइना उसे हड़पे, लेकिन अब चाहता है कि थोड़ा बहुत जो पीओके का एरिया है पीओके का उसे भारत को देकर फिर से भारत के साथ ट्रेडिंग चालू कर सके और साथ ही साथ चीजों का आदान प्रदान हो सके। और अब वह भारत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले पीओके को लेकर भारत को ट्रेडिंग के लिए समझौता करना चाहिए या फिर पीओके लेने से पहले समझौता करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान पर अब भी कितने ट्रक बॉर्डर पर लगे हैं जिसमें सब्जियां फल है और बाकी चीजें जो पाकिस्तान में उत्पादित होती है और वहां से भारत आती है, लेकिन अब यह सब चीजें पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे यह सभी ट्रक खड़े हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने सभी ट्रकों को भारत में भेजना चाहता है ताकि वहां से लोग जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उससे उनको थोड़ी राहत मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले सोचा था कि शायद रूस से उसे कच्चा तेल मिल पाएगा जिससे तेल के जिस संकट से वे जूझ रहा है उससे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और वह सस्ते में तेल रूस से आयात कर पाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी इस चाल में कामयाब होता नहीं दिख रहा है और ऐसे में अब जब बाकी कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है, तो यहां तक कि कोई मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी है, तो अब पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है और उसके पास पीओके वापस देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना, क्योंकि हम लोगों की जो मुहिम थी पीओके भारत में वापस आए और भारत जल्द ही पीओके को लेकर बड़ा स्टेप उठाए और पाकिस्तान में उथल पुथल मचे और दोस्तों पाकिस्तान में आर्थिक संकट आए, वे लोगों की मुहिम अब कामयाब हो गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों पाकिस्तान में एक साथ 4 बांध डाल दिए गए हैं। आखिर यह किसने कर दिया? पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, भारत, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। आपने बिल्कुल ठीक सुना, अमेरिका और इजराइल तो अब रुकने वाले नहीं हैं और वे पाकिस्तान को कहकर लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी भी देने के लिए दो चीजें बची है, जिसमें पहली है जमीन और दूसरा समझदारों को इशारा ही काफी है। आज तक यह पाकिस्तान चीन को जमीन देता आया है, लेकिन अब जब अमेरिका और इजराइल सौदा करने आ रहे हैं तो इनकी क्यों फट रही है, बताएंगे दोस्तों आपको पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे।
दोस्तों, इजराइल और अमेरिका की नजर अब पाकिस्तान पर पूरी तरह से पड़ चुकी है और अब पाकिस्तान का हाल इराक और सीरिया जैसा होने जा रहा है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद पाकिस्तान के लोग भारतीय बॉर्डर पार करके शरणार्थियों की तरह भारत में घुसने की कोशिश करें, क्योंकि अमेरिका ने अब पाकिस्तान की जमीन को मैदान-ए-जंग बना दिया है और इसके लिए जिम्मेदार होंगे शहबाज शरीफ और चीन के तानाशाह शी जिनपिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार की खबरें हम आप तक हमेशा ला पाए। दोस्तों, अमेरिका आज तक पाकिस्तान की मदद करता आया है। अमेरिका की कई सारी फाउंडेशन ने पाकिस्तान के भीतर काफी सारे पैसे देकर सहयोग भी किया है, लेकिन चीन को मानवता से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब वह जब भी पाकिस्तान को कुछ देता है तो बदले में पाकिस्तान के गुर्दे कलेजे को निकाल कर खा जाता है। अभी तक पाकिस्तान चीन के साथ मुजरा कर रहा था, लेकिन अब अमेरिकी सेना पाकिस्तान के भीतर खुलेआम नाच करेगी और अमेरिका की सेना की उछल कूद देखकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान की बदहाली देखकर चीन ने भी अपने पांव पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं और अब कटोरा लेकर शहबाज शरीफ के चमचे चीन से भीख मांगने गए थे, लेकिन अब की बार चीन ने ना सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया बल्कि उनको जोरदार तमाचा भी मारा और साथ ही उनकी इज्जत भी उतार ली, क्योंकि चीन को पता है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका और इसराइल की फोर्स पाकिस्तान के भीतर घुस सकती है और फिर सबसे पहले उसके परमाणु बम को नष्ट करने की कोशिश की जाएगी और फिर अगला धमाका चीन में ही किया जाएगा। अब अमेरिका के सैनिक पाकिस्तान में रहने लगेंगे तो खाने पीने के लिए भी अनाज चाहिए और विमानों को उड़ाने के लिए फ्यूल भी चाहिए, तो यह सब डायरेक्ट अमेरिका से तो आएगा नहीं, तो गल्फ कंट्री से आएगा। अब अमेरिका फुर्ती से पाकिस्तानी पोर्ट का इस्तेमाल करने वाला है और उनके लिए हवाई अड्डों का इस्तेमाल भी खुलेआम अमेरिकी सेना करेगी। जी हाँ दोस्तों, और इन सभी हवाई अड्डों और पोर्ट का संचालन पाकिस्तान के पैसों से ही किया जाएगा, मतलब पाकिस्तान की हालत अब खराब होने वाली है और ऐसे में अमेरिका अब एक तीर से चार निशाने साध गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में जंग का मैदान बनाकर अमेरिका अब एक ही झटके में चीन, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इन चारों के विकेट उखाड़ सकता है, क्योंकि इन चारों देशों में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां ही की जाती है। एक तरफ जहां ईरान और पाकिस्तान परमाणु बम बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी बार बार अमेरिकी सैनिकों को शिकार बनाते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तालिबान के आतंकी लगातार तांडव करते जा रहे हैं, लेकिन तीसरी तरफ चीन लगातार बायो वेपन बनाकर पूरी दुनिया में महामारी फैलाने का जो काम करता आया है, ऐसे में चीन के दिन भी पूरे हो गए हैं। और ऐसे में चीन के सीपेक को लेकर बाकी सभी देशों के निवेश बर्बाद होने वाले हैं। पाकिस्तान अभी चीन के बलबूते पर खड़ा होकर उछल रहा था और भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी बैटरी लो हो गई है, क्योंकि अब वहां अमेरिका और चीन है दोस्तों, यानी कि अब सुपर पावर्स के बीच पाकिस्तान पिस जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।